कानपुर हिंसा के सभी आरोपी जल्द होंगे गिरफ्तार। कानपुर हिंसा के पत्थरबाजों की पोल खोलेगा सीसीटीवी। पीएफआई प्रमुख का सफेद झूठ का हुआ पर्दाफाश। पत्थर फेंकने वाले कब होंगे सलाखों के पीछे। अब ड्रोन खोलेंगे पत्थरबाजों के काले करतूतों की दास्तान। कानपुर हिंसा को लेकर एक नया सीसीटीवी वीडियो जारी हुआ है, जिसको आप ध्यान से देखिएगा, जिसमें नफरत के आकाओं को आप सफेद पोशाक में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग एक दुकान पर जाकर हुड़दंग मचाते हैं। इतना ही नहीं, वहां लूटपाट को भी अंजाम देते हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह से ये लोग एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर रैक को लेकर भाग जाते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। इस नफरती आग को लेकर महज एक वीडियो ही नहीं, बल्कि ना जाने ऐसे कितने वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें पत्थरबाजों की पोल खुल रही है। पुलिस जांच में तो पीएफआई कनेक्शन के भी सबूत मिल रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि पूरे फसाद की कहानी है क्या, सच्चाई ध्यान से सुनिएगा। कानपुर हिंसा को लेकर एक बार फिर से योगी की पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, तभी तो कड़ी दर कड़ी नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तो इस फसाद में ड्रोन की भी एंट्री हो गई है। आइए कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा आपको वो भी सुनना जरूरी है, फिर हम आपको बताएंगे इस हिंसा के पीछे मकसद क्या था, पीएफआई कनेक्शन और ईडी ने कैसे एंट्री मारी। पहले ये जान लीजिए कि कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक क्या कुछ कहते हैं। उनके मुताबिक पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है, इसलिए नई नई तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें एंटी रडार सिस्टम युक्त ड्रोन से कानपुर के कई इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। साथ ही जिले के मुखिया के साथ पुलिस टीम संवेदनशील इलाकों में रात को भी बकायदा गश्त कर रही है। इसी कड़ी में उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई भी अराजक तत्व सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़ी कोई भी अनर्गल पोस्ट करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस फसाद की जड़ में पीएफआई कैसे है। इस हिंसा की चिंगारी को बारूद में बदलने का प्रयास करने वाला मुख्य साजिशकर्ता हयात हाशमी के तार पीएफआई के साथ जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसके लिए पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र के जरिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है, इसीलिए तो अब तक इसमें ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। खबरों के मुताबिक अब कानपुर पुलिस हाशमी के सभी बैंक खातों को खंगालने का काम कर रही है और उन खातों को सीज करके ईडी को सौंपा जा रहा है। साथ ही पुलिस पीएफआई से जुड़े लोगों के बैंक खातों की जानकारी ईडी को देगी। आपको ये भी बता दें, पुलिस को इस मामले में एक बहुत बड़ी सफलता भी मिली है। पुलिस ने तीनों संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनके नाम हैं सैफुल्ला, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद उमर। ये संदिग्ध सीएए और एनआरसी जैसे मामलों में जेल भी जा चुके हैं, इसीलिए तो पुलिस के शक की सुई इन पर घूमती हुई दिखाई दे रही है। खबर ये भी है कि तीनों शख्स नफरत की इस आग को फैलाने वाले मुख्य साजिशकर्ता हयात हाशमी के करीबी बताए जा रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में इन लोगों ने कबूला है कि इस मजहबी भीड़ को जुटाने में इन्हीं का हाथ था। इतना ही नहीं, इन शातिरों ने जोहर फैंस एसोसिएशन के खातों में विदेशी फंडिंग आने की बात का भी खुलासा किया है, इसीलिए पुलिस ने अपनी रफ्तार को और तेज कर लिया है। इस मामले की जांच पुलिस और एटीएस मिलकर कर रही है। अब आपको बताते हैं कि कैसे पर्दे के पीछे से पीएफआई जुर्म के रास्तों को बदलने की कोशिश में जुटा है, इसीलिए तो बड़े बड़े व्यापारियों से संपर्क साधकर उन्हें फंड मैनेजर बनाकर काले धन को सफेद बनाकर देश में मजहब की नफरत को भड़काने की कोशिश की जा रही है। अब आपको सुनाते हैं पीएफआई के चीफ अनीस की बात, वो बातें जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर अनीस सच बोल रहा है या कानपुर पुलिस। अनीस ने बताया कि कानपुर तो छोड़िए, पूरे प्रदेश में पीएफआई की कोई भी इकाई नहीं है। पीएफआई की यूपी में सिर्फ एक यूनिट है। उसने ये भी बताया कि कानपुर हिंसा में हम पर एक भी एफआईआर नहीं है। सरकार पर निशाना साधते हुए पूरे फसाद में पीएफआई कनेक्शन को साजिश करार दिया जा रहा है। अनीस के मुताबिक ये सरासर गलत है, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार कौन सच्चा कौन झूठा नहीं। सच तो ये तस्वीरें हैं जो बता रही है कि एक बड़ी साजिश पहले ही रची जा चुकी थी, जिसके सबूत अब कानपुर पुलिस को मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।